गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रैक्शन भी आज का हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। आज हम आपको आपको सिंपल मल्टीप्लाई आते हैं, हाँ आज आपको फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं वो हम आज आपको सिखाएंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। तो हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5.7 × 3/8। तो हम किस तरीके से फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं आज हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई 3 होगी। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखें न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर में होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हमेशा डिनोमिनेटर में होगी। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हमेशा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर की फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 5 और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 3। तो 5 × 3 = 15, चलिए हमें यहाँ पर 15, ठीक है। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से करेंगे देखिए जरा 7 × 8 = 56, ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पर देखिए जरा एक बार और समझिए, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। 5 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर करेंगे किस तरीके से करेंगे देखिए 5 × 3 = 15। तो डिनोमिनेटर क्या है इसका 7 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 8, 7 × 8 = 56। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15/56, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है परफेक्ट नंबर 3/5। 3/5 की जो मल्टीप्लाई करनी है वो करनी है हमें 5/7 में। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से करेंगे देखिए जरा, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 3 और इसका क्या है 5, ठीक है। और इसका क्या है 5 और इसका क्या है 7। देखिए एक चीज और देखिए जरा, यदि सेम नंबर हो, यदि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो जाए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो जाए तो हम सेम नंबर को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। कैसे कैंसिल करते हैं देखिए, इसका न्यूमरेटर क्या है 3 और डिनोमिनेटर क्या है 5, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 5 और डिनोमिनेटर क्या है 7। तो देखिए इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो हम कैंसिल कैसे करें देखिए जरा। ऐसे मुझे लिए डायरेक्ट आप लिख कर रख लीजिए देखिए जरा, इसका ये क्या है 3 × 5 × 7। देखिए इसके न्यूमरेटर में क्या है 5, इसके न्यूमरेटर में क्या है 5, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या होता है 7। तो 3/7 हमारा इसका आंसर, देखिए 3/7 इसका आंसर हो, देखिए एक बार देखिए 3 × 5 ऐसे लिख दीजिए, फिर डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर 5 और 7, 5 × 7 इस तरीके से लिख दीजिए। देखिए डिनोमिनेटर में 5 बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी 5 बन रहा है, तो हम 5 और 5 को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे और जो बचा हुआ होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें वो डिनोमिनेटर में क्या बचा 3 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 7, तो 3/7 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन की, यदि सेम नंबर होता है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यदि सेम नंबर नहीं होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, ठीक है। यहाँ हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर नहीं था, सेम नंबर नहीं मिल रहा था तो हमने कैंसिल नहीं किया, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई हमने मल्टीप्लाई करी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेम नंबर मिल रहा था इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हो गया हमने यहाँ पर किस तरीके से करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई, तो बता दें हम आपको देखिए जरा, मैंने आपको बताया अपॉन का साइन लगाइए पहले, सबसे पहले अपॉन का साइन लगाइए, ठीक है। अब 10 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 10 को हम 10 को क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, दो हिस्सों में बांट लेते हैं किस तरीके से। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं 10 को, 5 × 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई का साइन लगा मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं हम 5 × 3, 5 × 3 इस तरीके से हम टुकड़ों में इसे बांट लेते हैं, ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर कर लेंगे टुकड़ों बांट लेंगे, 10 × 5 = 2 कर देते हैं, 10 का फैक्टर हो जाएगा 5 × 2 और 15 का क्या हो जाएगा 5 × 3, ये न्यूमरेटर का हो गया। अब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर क्या है हमारा 3, तो 3 का हम नहीं लिख सकते क्योंकि 3 × 3 होता तो और कोई फैक्टर नहीं होता था, तो 3 का हम 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 4। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का फैक्टर कर सकते हैं, 4 को टुकड़े में बांट सकते हैं कैसे 2 × 2 = 4, और कोई फैक्टर नहीं होता 2 × 2 = 2 2 2 2
इस तरीके से हम इसको टुकड़ों में बांट लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके इसके छोटे से छोटे में मतलब लोवेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे? लोवेस्ट फॉर्म। और लोवेस्ट फॉर्म की वीडियो मैंने आपको सेंड कर चुका हूँ, वो भी आप देख चुके हो गए, तो उसको आप देखिए ध्यान से। और लोवेस्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, और लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सबसे छोटी से छोटी संख्या में हम इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो आप देखिए। न्यूमरेटर में हमारा क्या बनता है? 5, 2, 5, 3। और डिनोमिनेटर में क्या होता है? 3, 2, 2। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या सेम संख्या है, क्या नंबर सेम हो रहा है। देखिए 5 है, नीचे 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है नहीं, छोड़ो इसको। 2 है, नेक्स्ट में क्या हमारा 2, तो 2 डिनोमिनेटर में है हमारा 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या है, 5 5 का है, अब क्या है 3, न्यूमरेटर में क्या होता है 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो 3 को भी हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। देखिए बेटा न्यूमरेटर में क्या बचा हमारा 5, मल्टीप्लाई को क्या बचा 5, डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारा 6, 2 बचा। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, 5 5 जा 25 और 2 बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चनों की, ठीक है, फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे हम। जो नंबर सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो नंबर हमारा बचा हुआ है वो उसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको एक क्वेश्चन और लिया है, देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 25, क्या है 25, पहले आपको साइन लगा, पहले आपको साइन लगा दीजिए, ठीक है। और 25 का लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा, 25 का मतलब फैक्टर क्या है, फैक्टर करके लिख दीजिए, 25 क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं क्या, 7 × 14, 7 मल्टीप्लाई 2। तो न्यूमरेटर का मान हो गया 25 का हो गया 5 मल्टीप्लाई 5, और 14 का हो गया 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का देखिए, 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं हम क्या, 7 मल्टीप्लाई 5। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम क्या, 5 × 10। अब देखिए, अब हम देखिए न्यूमरेटर का 25 का, तो 25 का हो गया 5 × 5, और 14 का हो गया 7 × 2। और डिनोमिनेटर क्या है इसका, 35 है, तो 35 का क्या हो जाएगा 7 × 5, और 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 5 × 2। तो अब देखिए हमारा सेम नंबर बन गया, डिनोमिनेटर में 5 है, तो सबसे पहले 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 नंबर क्या हमारा 5, तो 5 डिनोमिनेटर में कहीं 5 है, है 5 मेरा, तो क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट नंबर क्या है डिनोमिनेटर में, 5 डिनोमिनेटर में और कहीं 5 है, हैगा, तो ये 5 निकल जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 7, तो डिनोमिनेटर में देखेंगे हम 7 कहीं पर है या नहीं है, तो 7 भी है, तो 7 भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 2, अब न्यूमरेटर में क्या बचा 2, और डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो हमारा 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जरा न्यूमरेटर में कुछ बचा है क्या, न्यूमरेटर में कोई नंबर ऐसा बचा है जो कटा नहीं हो, तो सारे नंबर कैंसिल हो चुके हैं न्यूमरेटर में, तो हम क्या लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे 1। और डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर नहीं बचा, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे 1, तो 1/1 क्या हो जाता है, हम क्या लिख देते हैं 1, तो 1/1 क्या हो जाता है हमारा 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। जब सभी नंबर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, जब हमारे या तो न्यूमरेटर में सभी नंबर कैंसिल हो जाए तो उसका क्या हो जाता है 1 बचता है, चाहे डिनोमिनेटर में सभी नंबर कैंसिल हो जाए तो उसका भी हमारा क्या बचेगा 1, जब सभी नंबर कैंसिल हो जाते हैं तो हमारा क्या बचता है 1। तो इस तरीके से बच्चों आपको फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी है, तो वीडियो को बार बार देखें, और जब तक समझ में नहीं आए आप वीडियो को बार बार देखते रहें, ठीक है। यदि इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए, मगर बेटा आपको करना है और पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।